आज हम बात करेंगे एप्पल साइडर विनेगर के थ्रू आप अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर के काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और एप्पल साइडर विनेगर के क्या फ़वाद हैं और किस तरह से ये आपकी वेट लॉस जर्नी में आपकी हेल्प करता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है और उसके साथ साथ उसको मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करता है, जिससे जो आपके फैट सेल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं और स्टोर नहीं होते बॉडी में। एप्पल साइडर विनेगर जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्प्रूव करता है, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ाता है, जिससे आपको भूख लगना कम हो जाती है, स्टार्वेशन आपकी कम होती है। उससे ये है कि आपकी बॉडी में जो भी आप कैलोरीज लेते हैं वो भी स्टोर नहीं होती, यानी एज अ फैट फॉर्म या फैट सेल्स की तरह से आपकी बॉडी में स्टोरेज नहीं होती फैट की, और भूख भी आपकी कम हो जाती है। तो एप्पल साइडर विनेगर काफ़ी लोग सुबह निहार मुँह लेते हैं उसके, लाइक 2 टेबल स्पून ले लेते हैं, या फिर उसको वार्म वाटर के साथ 2 टेबल स्पून लेते हैं। तो निहार मुँह लेने के उसके लाइक वेट लॉस जर्नी में कोई फ़वाद नहीं है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। एप्पल साइडर विनेगर की सही डायरेक्शन ये है कि आप जब भी आप अपना मील ले रहे हैं तो उससे हाफ आवर पहले वार्म वाटर के साथ 2 टेबल स्पून यानी 5 ml एप्पल साइडर विनेगर उसमें ऐड करें, और रॉ ऐड करें, यानी आर्टिफिशियल ना ऐड करें, रॉ ऐड करें, जो लाइक फिल्टर्ड ना हुआ हुआ हो, उसमें मदर ऑफ फिलामेंट्स हो, मदर ऑफ विनेगर हो। फिलामेंट्स ये होता है वो आपकी बॉडी में जाके फैट को स्टोर होने से रोकते हैं, और ये एक नेचुरल वे है और आपकी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो आप रॉ में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप नाश्ता करें तो ब्रेकफास्ट के लाइक हाफ आवर पहले ले सकते हैं, और उसके बाद अगर आप लंच में लेना चाहें तब भी आप हाफ आवर पहले, यानी अपनी मील से हाफ आवर पहले एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। 5 ml से आप लोग स्टार्ट करें। 5 ml के बाद यह है कि आपकी उसकी क्वांटिटी को आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, और आफ्टर 1 month आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई एंजाइटी नहीं हो रही या घबराहट नहीं हो रही तो आप लोगों के लिए बेस्ट है आप इसको फिर 2nd month पे 10 ml के तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। वार्म वाटर में अच्छे से उसको डाइल्यूट करके आप पी सकते हैं हाफ आवर पहले मील से पहले। एप्पल साइडर विनेगर के साथ साथ आप डाइट प्लान फॉलो करें, एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे, और डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि मज़ीद हेल्प मिल जाएगी वेट को रिड्यूस करने में, वेट लॉस की तरफ जाने के लिए। ये एक बेस्ट वे है। एप्पल साइडर विनेगर को आप जब 2nd month यूज़ करेंगे तो उसमें आप 10 ml यूज़ करेंगे, देन ग्रेजुअली आप मज़ीद उसको 3rd month में इंक्रीज़ कर देंगे। तो राइट डायरेक्शन एप्पल साइडर विनेगर की ये है वेट लॉस जर्नी में कि आप उसको बिफोर हाफ आवर ऑफ योर मील आप ले सकते हैं, वार्म वाटर में लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह आप एप्पल साइडर विनेगर रॉ वे में आप यूज़ करें, रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करें, जिसमें मदर ऑफ विनेगर होते हैं, फिलामेंट होते हैं, जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी में ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये तरीका अपना सकते हैं, और इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज फेस हो रहे हैं तो आप लोग #clinics विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।